नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमन। आज आपसे बात करूंगा इस फिसर के बारे में, लबबट के बारे में। जो लबबट के प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा गर्मियां आ चुकी है। कुछ लास्ट वन वीक से मैं नोटिस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी होती नहीं है, बट बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे सेट में टीन का और टाली का सेट है, तो बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही है। नीचे से ऊपर से बहुत गर्मियां आ रही है, और नीचे भी मेरा आप लोग देख सकते हैं जो कि सीमेंट किया हुआ है पूरा, और यहाँ पे थोड़ा मिट्टी है, बट इसके नीचे भी सीमेंट है। तो इसलिए भी यहाँ से भी बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, ऊपर से भी बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है। पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा सेट जो है कि सीमेंट का है, और ऊपर भी टीन का है और मिट्टी का एक टाली का सेट है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दोनों तरफ से गर्मी आ रही है, और इस तरफ से थोड़ा सा खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा हांप रहे हैं। ठीक है, उतना तो ये पहले नहीं हांप रहे थे, बट इस सीजन पे, इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ ये लोग बहुत ज्यादा हांप रहे हैं। बेसिकली कैसे कि जैसा ये लोग पहले थे वैसा नहीं है। ठीक है, मतलब मुंह कैसे फुला रहे हैं, और जो इनका जो विंग्स है, इस विंग्स को कैसे खोल रहे हैं। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये नॉर्मल है, बट ये ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि इसका जो फेदर है, ये फेदर खोल के मुंह कैसे अंदर बाहर कर रहा है। ठीक है, मतलब मुंह से ये लोग सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसका नोज है, सीरी, उस सीरी से ये लोग सांस उतना नहीं ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूँ मुंह से सांस ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए इन लोगों को ठीक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। पानी मैंने केज में दिया हुआ है, पानी आप लोग देख सकते हैं, पानी और सॉफ्ट फूड के तौर पर गेमू भी दिया हुआ है। ठीक है, सीड मिक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सीड मिक्स भी दिया हुआ है, और उसके साथ मैंने जो चीज ऐड किया है ये देख लिया, एलिए इसे तुलमिसाक बोलते हैं हम लोग। ग्रीन टाइप होता है, इसमें जो रस निकलता है वो रस ग्लूकोंडी की या आप ORS ऐसा कुछ काम करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। ठीक है, आयरन जैसा कुछ होता है इस साग में। तो ये देने से मैं नोटिस किया है कि मैं दो दिन से दे रहा हूं, तो इन लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मुंह खुला के कैसे ये लोग हांप रहे थे, ज्यादा से ज्यादा सांस ये लोग मुंह से ले रहे थे, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हुआ है, मैं नोटिस कर रहा हूं। तो इसलिए भी सोचा कि आप लोगों से भी वीडियो बनाता चलो कि इस समर सीजन पे, गर्मियों के सीजन पे, लबबर्ड्स अगर आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब हांप रहा है, इस सीजन में कॉकटेल हार्ट अटैक भी होता है, कॉकटेल का जावा का भी हार्ट अटैक होता है। मतलब कैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपने छोटे से केज में बहुत सारे जावा को रखा है, और आपने वो जावा को लेके जा रहे हैं सेल करने के लिए किसी दूसरी जगह पे, बस या ट्रेन से लेके जा रहे हैं, बैग में बहुत सारे जावा या कॉकटेल है, छोटे से केज में 100 पेयर या 50 पेयर है, तो उनमें से एक तो एक्सपायर हो सकता है। गर्मी के कारण ऐसा होता है, वो लोग हार्ट अटैक कर बैठते हैं। लबबर्ड ऐसा नहीं करता, बट लबबर्ड में भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि रोस्पेस जो होता है, रोस्पेस ऐसा कर देता है, जिसे पीच फेस भी बोलते हैं, वो ऐसा कर देते हैं। फिशर ऐसा नहीं करता, बट लुटिनो करता है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फूड के ऊपर फोकस कीजिए इस समर के सीजन पे, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फूड के ऊपर फोकस कीजिए समर के सीजन पे। ऐसा ग्रीन फूड, ठीक है, आप दे सकते हैं, या फिर इसे हम लोग बंगाली में कलमी साग बोलते हैं, इसे आप पालक दे सकते हैं। एक होता है नोटे साग हम लोग बोलते हैं, वो आप लोग दे सकते हैं, वो रेड में और ग्रीन दोनों टाइप के कलर में वो फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको भी दिया है, इस वाले पेयर को। तो बहुत ज्यादा गर्मियों का सीजन था, बहुत ज्यादा गर्मी आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने बॉक्स खोल दिया है। 2 क्लच मैंने इनसे लिया था, ये मैंने बेसिकली सीजन के मिडिल में ये फीमेल को खरीदा था, इसलिए ज्यादा ब्रीड तो नहीं ले पाया। एक बार 3 बच्चे निकाले थे, एक बार एक बच्चा निकाला था, टोटल 4 बच्चे निकाले थे। ठीक है, वो मैं सेल भी कर चुका हूँ। तो बॉक्स मैंने निकाल दिया और इनके पूरे के पूरे रेस्ट में रख दिया है। मैं नोटिस कर रहा था कि ये मुंह खोल के कैसे सांस ले रहे थे, इतना ज्यादा गर्मी आ चुकी है, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और पानी ये लोग बहुत ही ज्यादा गंदा कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये लोग नहा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा पानी पी भी रहे हैं। ठीक है, और सीट पे ऊपर कम फोकस कीजिए। ठीक है, सीट आप लोग प्लेन जितना आप चाहे तो प्लेन जो सीट होता है वो आप दीजिए, प्लेन जो किडनी दाना होता है वो देने की कोशिश कीजिए, और नॉर्मल जो सीड मिक्स होता है, सूरजमुखी या कुसुम या पैडी, ठीक है, मिलेट, रेड मिलेट या व्हाइट मिलेट थोड़ा सा कम देने की कोशिश कीजिए। बाजरा जो ऐसे लोग देते हैं, बाजरा ठीक है, बाजरा और नॉर्मल जो कंगनी होता है वो आप मिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी मैंने दिया है, गेहूं को भिगो के, जिसे व्हीट बोलते हैं। तो ये सब कुछ सॉफ्ट फूड देने से, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी होता है, देने से इनको थोड़ी सी जो पानी की कमी है, या फिर जो
रस, इससे जो रस मिलता है वो इनको हेल्प करेगी समर में ये लड़ने में। दोपहर के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इस टाइम पे लड़ने में इनकी बहुत ज्यादा मदद होगी। ठीक है, तो सोचा कि वीडियो बनाता चलो, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था ये लोग सांस लेने के लिए मुंह से सीधी से नाक से सांस नहीं ले रहे थे, नाक से कम ले रहे थे बट मुंह खोल रहे थे बहुत ही ज्यादा, और एकदम फेदर को दोनों तरफ से, ये जो दो फेदर है ये दो फेदर को दोनों तरफ से ये खोल दिया था, खोल के ये लोग सांस ले रहे थे, मतलब इनको सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो इसको देने से, ये मैं दो तीन दिन से दे रहा हूँ, कुछ फायदा हुआ है मुझे लगता है। तो आप लोगों से भी शेयर किया, आप ग्रीन फूड के ऊपर या सॉफ्ट फूड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपका बजरी कॉकटेल लवबर्ड इस समर के सीजन पे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप कूलर का भी इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, अगर वेंटिलेशन आपके सेट में ठीक तरीके से नहीं हुआ तक होता है तो फिर वेंटिलेशन का थोड़ी सी व्यवस्था कीजिए। ठीक है, कूलर लगाइए या फिर टेबल फैन का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे आपका जो हवा है वो गर्मी वाली हवा निकल के थोड़ी सी ठंडी हवा इनको लगेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।